इश्क चरा सर क्या करूं मैं वो बुड्ढा हो गया कसम से महबूब साहब इधर महबूब साहब क्या है आप शहर जा रहे हो क्या हाँ जी मेरे लिए आप एक ले आओगे ठीक है वो ठीक है आएगा चल शुक्रिया मैं पूछा आया भाई साहब जी याद से ले आइएगा हाँ हाँ ले आऊंगा अब जाना हाँ जाता हूँ अब बताऊंगा मैं उस दर्जी को अब बताऊंगा अब बताऊंगा मैं सुनो जी मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है अच्छा क्या जरूरी बात करनी है मैं कल से सोच रही हूँ कि हबीब की शादी कर दी जाए बड़ा अच्छा ख्याल है लेकिन उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं अच्छा क्या काम सबसे पहले एक बहुत बड़ी जमीन खरीद लेते हैं अच्छा फिर उस जमीन में चावल की खेती करेंगे फिर क्या बोरियां भरते रहेंगे और यही काम करते करते एक दिन हम मर जाएंगे क्या हो गया है आपको कैसी बातें कर रहे हैं अरे भाई हम नानवाई हैं चावल की खेती करते करते क्यों मरेंगे ताकि हमारे मरने के बाद तेरे लाडले भाई को खाने की कोई फिक्र ना हो अरे बेअकल तेरा भाई काम का नकाज का दुश्मन अनाज का उसकी शादी करा रही ले देखे एक ही तो साला मिला है वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसका दो निवाले खाना तुम्हें बुरा लगता है दो निवाले उसके दो निवाले मेरे छह दिन का खाना है तो फिर जहर दे दो उसको मैं भी जहर खाऊंगी हाँ जब मैं जहर खाऊंगी ना तब इनके सीने में ठंडक पड़ेगी या खुदा कैसे समझाऊं इस औरत को मैं सब समझ गई हूँ अब मुझे क्या समझाओगे एक मिनट मेरी बात तो सुन देख तू चाहती है ना कि तेरा भाई कुछ काम काज करे अरे कौन दुश्मन बहन होगी जो अपने भाई का भला नहीं चाहेगी तो ठीक है उससे कहना कि वो दिल लगा के काम करे फिर उसकी शादी भी करा देंगे मैं भी शादी करूंगी फिर ये तो दो खेत खरीदने पड़ेंगे देख अपने भाई से अरे मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ अपने भाई से कहे कि वो अच्छी तरह से काम काज करे अब वो बच्चा नहीं है तो और क्या है ठीक है तो फिर बच्चों की शादी नहीं होती अगर चाहती है कि हबीब की शादी हो तो उसे बच्चा कहना छोड़ दे उसे बड़ा कर बड़ा ये बच्चा बोलती रहेगी तो शादी के बाद अपनी बीवी को अम्मा अम्मा बोलना शुरू कर देगा अरे इसमें हंसने की क्या बात है मैं भी अम्मा अम्मा बोलूं नहीं तू अब्बा अब्बा कह रहा है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा सामान लाया है कौन सा सामान तुमसे मतलब मेरा सामान है वाह भाई वाह हम ही से पूछ रहे हो हम ही से छुपा रहे हो कौन सा सामान है वो जमाने गए बशीरा जब मैं तुम्हें हर राज बताया करता था अरे तब तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे और अब तुम मेरे दुश्मन हो अरे मैंने क्या किया तुमने क्या किया तुमने मेरी पीठ पे छुरी मारी है और तुमने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुम्हें कोई धोखा हुआ है भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ तुम मेरे राजदार हो मैंने तुम्हें अपना हर राज बताया बताया कि नहीं अरे वही जिसका नाम लेके तू गाना गा रहा था मैं नाम लेके गाना गा रहा था मैं तो गा रहा था कि मेरा महबूब आया है बाहर खून बरसाओ मोहम्मद रफी का गाना है ओ खुदाया लानत है मैंने सोचा तू ये कह रहा है कि महबूब नेशनली आया है और ये कोई गाना है फूल बरसाओ मैं मुंबई आया है अरे तो क्या गाता बारो जूते बरसाओ नजीर
महबूब आया है। जूते तो अपने रिश्तेदारों पे बरसा, गाली देता है। देख तो गाना गाने से क्यों रोकता है। किसी के बाप की सड़क है क्या ये? बुलबुल चौक पे किसी के बाप का राज है क्या? लो जी लो, आज तो गाना गाने में भी कर्फ्यू लग गया। वाह भाई वाह, चिल्लाता क्यों है? चिल्लाता क्यों है? एक तो दिन भर टाइम से गाना सुना सुना के कान खा गए, ऊपर से अभी दिमाग भी खाएगा गाना सुना सुना के। गिरेबान छोड़ दे, नहीं तो यही फीते से नाप दूंगा। खुदा कसम गिरेबान छोड़ दे, ये कांगड़ी उठाता है हुक्का मुंह में दे दूंगा। हेलो भाई, समझता नहीं है आप? ध्यान दे तुम लोगों को, आपस में लड़ रहे हो। डर साहब झगड़ा इसने शुरू किया था। डर साहब झगड़ा इसने शुरू किया था? इसने शुरू किया, इसने इसने इसने। अरे पागल हो गए क्या? दोस्त होकर आपस में इस तरह की हरकतें करते हो? डार साहब मैं मुर्गी लेने जा रहा था, झगड़ा इसने शुरू किया। खुदा कसम मैं चुपचाप गाना गाते हुए आ रहा था गली में से, झगड़ा इसने शुरू किया। क्या बात है भैया? अरे अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, अभी कारोबार में ऊंच-नीच तो होती रहती है। अब इस तरह अपना गुस्सा दूसरों पर जाहिर करोगे? चलो हाथ मिलाओ। अरे भाई हाथ मिलाओ। अच्छा ये बता, तू किस काम से जा रहा था? डार साहब आज बड़ा मन कर रहा था मुर्गी खाने का, तो मैं मुर्गी लेने जा रहा था। या शाबाश। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब तू भी अपनी दुकान में बैठ, कोई ग्राहक आता होगा। डार साहब मैं तो भूल ही गया था, मुझे जरा रजाक साहब के घर जाना है। ये लीजिए, खुदा हाफिज। बेटे कैसा है तू? चलो बेटा चलो, सुनो चलो। गुलजार चल, पापा बुला रहे। बेटा गुलजार, अमीन कहाँ चले गए थे तुम लोग? अब्बा बॉल गिर गई थी, बॉल लेने गए थे। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। अस्सलाम वालेकुम रजाक साहब। वालेकुम सलाम, आ गया। जी क्या करूं, गाड़ी बना और क्या? आप कुछ कह रहे थे ना, खा खा खा, खा। अरे वो तो मैं अपनी जिगरी से कह रहा था। तुझे क्या लगा किससे कह रहा हूँ? जब तक जिगरी को मैं अपने हाथों से खाना नहीं खिलाऊ मुझे चैन नहीं आता। खुदा आप जैसा रिश्तेदार सबको दे। एक बेचारी यतीम बच्ची को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है, और वो भी अपने हाथों से। भाई कमाल है, आप जैसा फरिश्ता आदमी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वैसे जिगरी को आप अपने औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? हाँ वो तो करता हूँ। इसका अजर आपको खुदा देगा, आप देख लीजिएगा। अरे भाई अपने साले की बेटी से इतना प्यार, किसकी बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? वही जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिगरी की, आपके साले की बेटी जिसको आप अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। बेवकूफ, मेरे साले की बेटी का नाम है हमीदा, जिगरी तो मेरी मुर्गी का नाम है। ये देख कितनी प्यारी कोल मटोल सी। आप मुर्गी की बात कर रहे थे? हाँ? मैंने सोचा आप अपने साले की बेटी की बात कर रहे हैं। वैसे वो भी तो आपको प्यारी है ना? प्यारी? मुझे तो जिगरी से प्यार है, बता नहीं सकता मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अरे मैं तो उसकी बहुत देखभाल करता हूँ। एक बार एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, मैंने कुत्ते की टांग तोड़ दी। अब तो खुद ही सोच, अगर किसी इंसान ने इसे पकड़ने या चुराने की कोशिश की तो सोच मैं उसका क्या हाल करूंगा। अरे जिगरी मेरी जान है, जान। बहुत अच्छी है, गोल मटोल है, खबरदार नजर मत लगाना। दाढ़ी बनाऊं? गरम पानी है, नजीर को गरम पानी देना। भिजवा रही हूं। ले पकड़ पानी पानी।
साहब पांड की रानी। क्या हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? दाढ़ी बनाओ। गया काम जी। चल अच्छी बात है, खुदा तेरे काम में बरकत डाले। सुबह कैसा पीला जर्द रंग हो रहा था, अब देख कैसे लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए। अरे अच्छे काम करेगा तो ऐसे ही चमकेगा। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। वालेकुम सलाम। खरीद लाया मुर्गी? जी इसके अंदर है, अभी जाके पकाऊंगा। आज आप भी मेरे साथ खाना खाइएगा। नहीं भाई नहीं, आज अपने दोस्त को खिला, मैं फिर करूं। मैं चलता हूं डार साहब, मुझे दावत में जाना है, दावत में। अभी भी नाराज है? पूरे दो रोज और नाराज रहेगा तब कहीं जाकर मारे गए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जब भी इस मनुष्य की शक्ल देख लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कौन सा गुनाह किया था मैंने जो खामखा थप्पा पड़ गया, और उधर उधर मुर्गी को दाना खिलाया जा रहा है, और इधर बशीरा मुर्गी खा रहा है, और मैं एक बार एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, मैंने कुत्ते की टांग तोड़ दी। अब तो खुद ही सोच, अगर किसी इंसान ने इसे पकड़ने या चुराने की कोशिश की तो सोच मैं उसका क्या हाल करूंगा। मुझे मालूम है रजाक साहब कि आप उसका क्या हाल करेंगे। क्या तू? वही पैंट वाला बटन और साथ में एक धागे की रील, मजबूत वाली है। ये लो। हाँ इससे काम चल जाएगा। क्या पैन का बटन टूट गया? शाम को पता चलेगा डार साहब, शाम को। से रोटियां नहीं, इससे मेरी मुर्गी, मेरी जिगरी भारी लगती है, बहुत किसी ने खाया होगा।
आपकी कसम भाई जान, बाप की कसम, मैंने मुर्गी नहीं खाई। अरे अब मैं तेरे पेट में घुस के देखूं? अबे कौन हरामखोर खा गया मेरी जिगरी को? किसके पेट में आग लगी? अरे कहां चली गई मेरी जिगरी? दिन को तो मैंने उसे देखा था, सूफी साहब और डार साहब के मुर्गे के साथ घूम रही थी। अरे उनके आंगन में चली गई होगी, आ जाएगी। अरे रोज तो आ जाती थी, आज कहां चली गई? अरे हमसे क्या पूछ रहे हो, जाकर अपनी आवारा मुर्गी से पूछो। क्या कहा? मेरी मुर्गी आवारा? अरे नहीं नहीं, नहीं। छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अरे जिगरी खो गई, अरे जिगरी खो गई। जिगरी को देखा? क्यों नहीं देखा, बिल्कुल देखा, बहुत गौर से देखा। अरे कितनी प्यारी है, आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करती है, आप इतने प्यार से उसे दाना खिलाते हैं, वो कितने प्यार से आपसे दाना खाती है, आप उसकी जान है, वो आपकी जान है, वो मतलब बहुत गौर से देखा है। कब? तब, तब कब? तब जब मैं आपकी दाढ़ी बना रहा था और मुझ पर नहीं जाने दीजिए। अरे नजीरे जिगरी खो गई है। हो गई है? कहीं वो लंगड़ा कुत्ता तो उठा के नहीं ले गया जिसकी आपने टांगे तोड़ी थी? अरे उस कुत्ते को मरे हुए 6 महीने हो गए। ये कुत्ते का नहीं इंसान का काम है, आज किसी जालिम इंसान ने मेरी मुर्गी चुराई है। हाँ बस, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस जिगरी का ताल्लुक कितने खूंखार जालिम इंसान से है। पता कर नसीरे, नसीरे पता कर, एक बार पता करके इस इलाके में आज किसकी यहाँ मुर्गी पकी है। रजाक साहब छोड़िए सर, थैंक यू। रजाक साहब मैं तो अपनी दुकान पे उस तरह तेज कर रहा था और डार साहब धूप में बैठ के हुक्का पी रहे थे। बताइए आप एक काम कीजिए, आप डार साहब की दुकान पे यूं ही चले जाइए और कहिए कि आपको लगता है आज किसी के घर पे कहीं मुर्गी पकी है। उससे क्या होगा? पूछिएगा बस, कुछ कहिएगा नहीं। डार साहब, डार साहब, डार साहब। अरे रज्जाक साहब क्या हो गया, क्यों इतनी हैतमा मचा रखी है? साहब मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताइए, आज मोहल्ले में मुर्गी किसके यहाँ पकी है? अरे अपने बशीर ने बनाई थी यार। बशीर दर्जी ने? हाँ। आपको पूरा यकीन है? अरे हाँ भाई, उसने मुझे दोपहर में खाने के लिए बुलाया था। मत खाना, मत खाना, मत खाना। नहीं नहीं, मैंने भी मना कर दिया, लेकिन सुना वो पकाता बहुत अच्छा है। अच्छा, देखता हूँ आज कैसे पकाता है, कैसे पकाता है। खुशबू है बहुत है। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी होगी, रोगनी मसाला डाल के बनाई है। खाई नहीं अभी तक? अभी तो नहीं खा। अरे रजाक साहब आइए आइए आइए, आप भी मेरे साथ खाइए ना। मैं खाऊं? खाइए, अपने जिगर के टुकड़े को खाऊं, अपने जिगरी का गोश्त खाऊं? अरे खाइए। और चोरी करता है, चुराता है। लो, लो, अपने हाथों से टोपी पहना रहा। टोपी पहनाओ, इसे टोपी पहनाओ।
देखा देखो अब आप लोग कैसा करें, ये पलटरी की है या चोरी की है? अब जो होना था वो हो चुका। उस बेचारे दर्जी को थप्पड़ मार मार के तुमने बेहाल तो कर दिया। अब गुस्सा छोड़ दो और भूल जाओ। भूल जाओ जिगरी को, भूल जाओ ऐसे प्यार से मेरी तरफ देखा करती थी, मेरे चारों तरफ घुमा करती थी। हाँ हाँ भाई, मैंने देखा था भाईजान के चारों तरफ घूमते हुए। है ना, देखा था ना तूने कैसे गोल गोल घुमा करती थी मेरी जिगरी। हाँ, सूफी साहब और डार साहब के मुर्गे के चारों तरफ वैसे ही घूमती थी। अरे बेवकूफ, उस घूमने और इस घूमने में फर्क है। पर घूमती तो थी। बकवास बनकर, यहाँ मेरा दिल जल रहा, तुझे डार साहब का मुर्गा याद आ रहा? जरूर तेरी नजर लग गई जिगरी को। तू कैसे हर वक्त उसे घूरता रहता था, जरूर तेरी लालची नजरें खा गई मेरी जिगरी को। मैं तो सबको घूरता हूँ, तुमको भी घूरता हूँ, लेकिन आज तक तुमको किसी ने पकाया नहीं। देखा फातिमा, देखा कैसे बकवास कर रहा है। अरे बच्चा है, नादान है। मैं भी तो नादान हूँ ना। हाँ मेरी बच्ची नादान है। अरे इतने दिनों से हबीब को देख रहे हो, मालूम है भोला है, इसे इतनी अकल नहीं है। और इस बेअकल की तुम शादी कराना चाहती हो? आप ही, तुम्हारे अब्बा जी ने भी तुम्हारी शादी ऐसे ही कराई थी। अकल तो तुम्हें शादी के बाद आई है। या खुदा रहम। खुदा तो रहम ही करेगा। अब खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। हमने खाना खा लिया भाईजान, तुम खा लो। तुझसे किसने पूछा? नहीं ना, इसलिए नहीं पूछा कि मुझे मालूम है कि बिना खाए तू जी नहीं सकता, समझा? अच्छा मुझसे पूछो। क्या पूछूं? मैंने खाना खाया। तूने खाना खा लिया? हाँ, मैंने खाना खाया। पर तुम्हें कैसे पता मैंने खाना खाया? मैंने जिगरी खाई। क्या?